2024 लोकसभा चुनाव के पहले भारत फेंकने वाला है चीन पर परमाणु बम। जैसा कि आपने देखा कि पुलवामा हमले के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर इमरान खान के पजामा में बम फोड़ा था, जिसके बाद इमरान खान के वॉल वियरिंग टाइट हो गए थे। और आपकी बार वही हाल चीन के साथ होने वाला है। चीन अपने देश में लगातार आर्टिफिशियल बारिश कराता आ रहा है। चीन जब चाहे तब अपने देश में तूफान ला सकता है और बारिश भी करा सकता है, और इसी तकनीक के आधार पर बार बार भारत में तूफान ला रहा है और तबाही से भी भारतीय लोगों को मरवा रहा है। चीन ने वेदर मॉडिफिकेशन को एक नया हथियार बना लिया है, जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको याद होगा जब चीन का तानाशाह जिनपिंग भारत के चेन्नई में आया था, उस वक्त मोदी जी ने उसे लुंगी पहनाया था और अब मोदी जी उसके लुंगी खोलकर चाटी पर लाने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि इस वक्त हमने कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन जिस प्रकार चीन ने हमारे देश के कोने कोने में वायरस फैलाकर हमारे लोगों से उनके अपनों को छीना है, उसके बाद तो चीन के पिजवाड़े में तंबू गाड़ दिया जाए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्र, चीन का आतंक जल्द से जल्द खत्म हो, नहीं तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वायरस के बाद और चीन पूरी दुनिया में तूफान फैला रहा है। कुछ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि ताउते और यस नाम का तूफान चीन ने ही बनाया है, और अगर इस रिपोर्ट की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद मोदी जी चीनी तानाशाह के पछुआ खोल देंगे। अगर भारत अचानक अपने ब्रह्मोस मिसाइल से चीन पर परमाणु हमला कर दे तो उनके पास बचने के लिए कोई रास्ता बचेगा नहीं, और फिर उनके आने वाली पीढ़ियों की हाइट 3 फुट से घटकर 1 फुट की हो जाएगी। दोस्तों, चीन के आतंक से पूरी दुनिया परेशान है। जिस प्रकार चीन ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पर कब्जा कर लिया, उसके बाद वह की सरकार और जनता देखती रह गई, और अब आने वाले समय में चीन श्रीलंका के लोगों पर जबरन अत्याचार करने वाला है। और इसके बाद हमें लगता है कि श्रीलंका सरकार की बुद्धि रामायण के कितने सालों बाद आज भी उसके घुटने में ही है, जिससे समझ नहीं आ रहा है कि चीन देखते ही देखते श्रीलंका की कैसे मर गया। वही दुनिया के कई ऐसे छोटे छोटे देश है जो चीन की चलबाजी से अच्छे तरीके से वाकिफ है, और वे चीन को अपने देश में घुसना तो दूर अपनी तरफ देखने तक नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कैसे समोआ देश ने चीन को लात मारकर भगाया और अपने लोगों को चीनी आतंक से बचाया। ठीक वही काम यूरोप का लिथुआनिया जैसा छोटा देश भी किया है, जिसने चीन को रंगे हाथ पकड़ने के बाद कान के नीचे 2 चमटे लगाए हैं। हाल के दिनों में चीन ने जिस प्रकार से भारत के दोस्त बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है, उसके बाद उसने अपनी मौत को बुला ली है, और 2024 के पहले कभी भी चीन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है, और उसके बाद अक्सर चीन भारत के अंदर होगा। मोदी जी ने इसका भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 2025 तक चीन चाहता है कि वे अपने देश में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से जब चाहे तब बारिश करा सके, जब चाहे वे तूफान ला सके, और इसके लिए वे लगातार एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। और जानकार बताते हैं कि चीन के इसी एक्सपेरिमेंट के कारण भारत में बार बार तूफान आ रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अब हद पार हो चुकी है और किसी भी हालत में चीन को सबक सिखाने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर अब ज्यादा देर किया गया तो चीन लक्ष्मण रेखा पार कर जाएगा और पूरा भारत खतरे में फंस जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाने का समय आ गया है तो आप अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, भारत में होने वाले 2024 के आम चुनाव में चीन की ओर से गड़बड़ी की आशंका पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, चीन सीधे कुछ नहीं करता है, ये चर्चाएं दुनिया भर में चल रही है। भाजपा महासचिव ने कहा, चीन किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। इससे पहले मंगलवार को सामने आए एक वीडियो में विजयवर्गीय ने कथित तौर पर कहा था, अभी कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है, ये लहर आई है कि भेजी गई है, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि दुनिया भर में यदि किसी देश ने चीन को चुनौती दी तो वे भारत ने दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। भाजपा महासचिव ने कहा, हमें तो लगता है कि यह भारत को परेशान करने के लिए चीन का वायरल वार है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर केवल भारत में ही आई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान सड़ी के भारत से लगे देशों में इसकी दूसरी लहर नहीं आई। वही विजय वर्गीय के चीन संबंधी बयान को लेकर उन पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलम शुक्ला ने कहा, क्या विजय वर्गीय यह कह सकता है कि चीन ने भारत के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ दिया है? वे भाजपा में एक जिम्मेदार पद पर है और उन्हें अपना बयान का आशय स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले कि
मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बंद आंखों में लाल मिर्च का तीखा पाउडर डाल दिया है, जिसके बाद अब वे अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे और बार बार मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि उनकी आंख तो गई और साथ साथ उनके हाथ से अक्षय चिन्ह भी गई। किसी भी वक्त भारत चीन पर ब्रह्मोस मिसाइल से परमाणु हमला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन बार बार भारत की नसें दबाने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण अब की बार भारत ने गर्दन दबा दी है, जिसके बाद चीन बौखलाया हुआ है और यही बौखलाहट परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। चीन के सैनिक और उनके राष्ट्रपति दोनों ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। भारतीय सीमा पर लगातार चीन अपनी हदें पार कर रहा है, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी चीन को जबरदस्त सबक सिखाई है। वायरस फैलाने के बाद अब यह शंका जताई जा रही है कि चीन पूरे दुनिया में तूफान फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में आए हुए तूफान ताउते और रियास ने कितनी तबाही मचाई, इस बात से तो जग जाहिर है। लेकिन आज जो हम खबर देने वाले हैं, उसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसकने वाली है। भारत और चीन की सीमा पर माहौल गर्म हो चुका है और आपकी वार युद्ध छोटी मोटी नहीं बल्कि परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। अगला विश्व युद्ध चीन के नाम पर ही लड़ा जाएगा और उसका वही हाल होगा जो हिरोशिमा का हुआ था। चीन अपनी चालबाजी से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। चीन करने वाला है भारत पर परमाणु हमला, बना रहा है खतरनाक परमाणु हथियार और सबसे खतरनाक खबर तो ये है कि उसने स्टेल्थ बॉम्बर बना लिए हैं, जिसके बाद हो सकता है कि वे अगले साल भारत को आग दिखाने की कोशिश करेगा। तो वही दूसरी तरफ भारत भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है, बल्कि भारत ने भी चीन को परमाणु हमले को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। लेकिन सबसे ज्यादा झूठ डराने वाली बात यह है कि चीन ने स्टेल्थ बॉम्बर बना लिया है। आपको पता होगा कि स्टेल्थ का मतलब जिसे रडार ना पकड़ पाए, और इसी कारण ये सबसे बड़ा खतरा भारत और अमेरिका के लिए बनकर तैयार हो चुका है। युद्ध के इस माहौल में चीन के पास इतने खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर होना भारत और अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि अगर भारत के पास S-400 होगा, उसके बावजूद भी चीन भारत पर इस स्टेल्थ बॉम्बर से परमाणु हमला कर सकता है। और इसी कारण पूरे भारत में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा बॉम्बर है जो रडार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद भारत को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि चीन का ये बॉम्बर कब भारत में घुस गया। और इसी कारण भारत से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया सभी बेहद परेशान हो चुके हैं, और हो सकता है कि अब भारत के पास भी एक खतरनाक परमाणु बॉम्बर हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत भी अमेरिका से स्टेल्थ बॉम्बर खरीद सकता है। इसी कारण अमेरिका ने बेंगलुरु में अपना स्टेल्थ बॉम्बर का जलवा दिखाकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था कि चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका से खरीद लेनी चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।